एबीपीएस एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित अलहुआ गांव पड़ाव। लगभग 3200 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 12 किलोमीटर तो जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी मात्र 36 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान वीरेंद्र सिंह हैं। लगभग 1220 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 324 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 150 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 48 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 5 हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 20 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 2 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली व पंचायत घर का निर्माण भी कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान के देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 165 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, बारात घर, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान वीरेंद्र सिंह, मेरे गांव का नाम अलहुआ, ब्लॉक बिसोली, जिला बदायूं। सरकार ने मुझे जितना भी धन दिया मैंने ईमानदारी के साथ कार्य किया। 2 सीसी स्कूल शौचालय मरम्मत, स्कूल में समस्वर बोरिंग, 4 हेडपम्प रिवो, 165 शौचालय बनवाए। अभी ग्राम पंचायत में बहुत सी कमियां हैं, जो मैंने जनता से वादे किए थे उन्हें धन मिलने की ना मिलने की वजह से पूरा नहीं कर पाया। जैसे कि बारात घर, पानी का नाला, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास, जर्जर सड़कें हैं, पानी की गली स्थिति ज़्यादा ख़राब है और बहुत पानी की स्थिति ज़्यादा खराब है, बहुत नाली खराब है। सरकार से ज़्यादा पैसा मिले तो उसका